मेरे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने सैमसंग मेट्रो एक्सेल में iOS 7 कैसे इंस्टॉल कर सकते हो। दोस्तों, मैंने भी किया है, आप देख सकते हो iOS लॉन्चर 7। मैं इसे ओपन करता हूँ, इसके बाद में आपका फ़ोन एकदम iOS की तरह हो जाएगा। आप इसमें व्हाट्सएप, फेसबुक सब कुछ आप इसमें चला सकते हो। मैं फ़ोन ऐप ओपन करके आपको दिखा देता हूँ और आप देख सकते हो बिल्कुल रियल वीडियो है, फेक वीडियो नहीं। कोई बोलेगा तो, कोई अगर बोलता है कि फेक वीडियो तो मुझे बताना। यहाँ पर आप देख सकते हो पूरा का पूरा यहाँ पर एकदम रियल है। यहाँ पर मैसेज का भी है और यहाँ पर मैं मेन्यू में जाता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर पूरा यूसी ब्राउज़र, व्हाट्सएप, जी ईमेल, ट्विटर, मी। तो मैं आपको मंथली क्लॉक ओपन करके दिखा देता हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हो। उसके बाद में यहाँ से बैक करने का भी ऑप्शन है, आप यहाँ पर देख सकते हो। उसके बाद में यहाँ पर मी ओपन करके दिखा देता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हो फ्रेंड्स, अगर आपको इसे अपने फ़ोन में डाउनलोड करना है तो दोस्तों मेरे इस वीडियो पर 25 लाइक देने होंगे। उसके बाद में आपके फ़ोन में इस ऐप को डाउनलोड करने का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आप यहां से नहीं डाउनलोड कर पाते हैं तो मैं वीडियो एक बना दूंगा, अगर आप कमेंट करोगे तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो, जैसे कि यहाँ पर कोई भी फेक नहीं, यहाँ पर गिट जार का ऐप स्टोर भी इसमें अवेलेबल है। यहाँ से मैं कोई भी ऐप या गेम इंस्टॉल कर सकता हूँ। यहाँ पर ओपेरा मिनी भी है, यूसी ब्राउज़र भी है, जेंडर भी है, मी भी है, यहाँ पर बहुत कुछ है, यहाँ पर ट्विटर भी है। तो दोस्तों, अगर आपको चाहिए तो आप 25 लाइक जल्दी से जल्दी इस पर कर दीजिए। उसके बाद में मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूँगा, अगर आप नहीं डाउनलोड कर पाते हो तो मैं एक वीडियो और बना दूँगा। और दोस्तों, अगर आप सोच रहे हो कि वीडियो फेक है तो आप ये सब सोचना बंद कर दीजिए, मैं एकदम रियल वीडियो बनाया हूँ। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।